A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dosto. Mohsin, aap logon ke saath financial accounting ki pehli class mein hai. Dosto, hum apni class ki ibtida ek quotation se karte hain. The word accounting comes from the word accountability. If you are going to be rich, you need to accountable for your money. Dosto, ye ek quotation एक मशहूर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की है. रॉबर्ट कियोसाकी ने तकरीबन कोई 26 बुक्स जो हैं वो फाइनेंस के ऊपर लिखी हैं, और उनकी एक जो मशहूर बुक है वो रिच डैड पुअर डैड के नाम से है, जिसकी ऑलमोस्ट 51 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन की गई, और पूरी दुनिया के अंदर 27 मिलियन के करीब इसकी कॉपीज फरोख्त हुई. तो इस कोटेशन के साथ हम अपने पहले लेक्चर की इब्तिदा करते हैं. दोस्तों, जब भी हम वर्ड अकाउंटिंग सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड के अंदर सवाल आता है वो ये है कि अकाउंटिंग जो है वो क्या मैथ है? तो अकाउंटिंग जो है वो मैथ नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैथ जैसी कैलकुलेशंस की जाती हैं. मतलब के अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो एडिशन हो रही होती है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही होती है. तो ये हमारा जो सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये मैथ की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है. कई बार हम इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेसेस भी कहते हैं. तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे या इसको सीखेंगे तो इससे हमें बिजनेस की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प होगी, और जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उसको भी समझने में मदद मिलेगी. तो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में होती क्या है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं. इट इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. दोस्तों, इस डेफिनेशन के अंदर हमें दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक बिजनेस है और दूसरा ट्रांजेक्शन है. इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होती है. ट्रांजेक्शन, एनी डीलिंग बिटवीन टू आर मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्विंग मनी इज नोन एज ट्रांजेक्शन. मतलब जब दो या दो से ज़ायद लोग आपस में कोई भी डील करेंगे तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे. इसकी आगे दो अकसाम हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. कैश का तो हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें कैश का हो गया, और क्रेडिट जो है वो उधार जिसे हम कहते हैं वो ट्रांजैक्शन होती है. कैश ट्रांजैक्शन जो है उसकी जो हम प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ एन आइटम बीइंग परचेज्ड इज पेड एट द सेम टाइम व्हेन द आइटम इज एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन. मतलब जब भी हम कोई चीज़ खरीदें और उसकी हम पैसों की जो अदायगी है वो एट द सेम टाइम कर देते हैं तो वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन होगी. फॉर एग्जांपल, मिस्टर रज़ा परचेज अ मोबाइल फ़ोन ऑन पेड आरएफ $500. के रज़ा ने एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया और उसकी एक गिफ्ट जो है उसने $500 उसी वक्त अदा कर दिए, तो ये हमारी एक कैश ट्रांजेक्शन है. अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होगी? व्हेन द मनी ऑफ value of an item being purchased if delayed to the future date, the transaction is termed as credit transaction. तो मतलब हम जब भी कोई चीज़ खरीदें और उसकी जो रकम की अदायगी है वो हम डिले कर दें, फॉर फ्यूचर डेट कोई हम डेट दे देते हैं कि मैं इसको अदा करूँगा, वो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन परचेज अ मोबाइल फ़ोन एंड प्रॉमिस टू पे इट्स पेमेंट इन फ्यूचर. के मिस्टर जॉन ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है और उसकी जो रकम की अदायगी है वो फ्यूचर में करेगा. ये तो हो गई ट्रांजैक्शन. अब दूसरी जो हमारी टर्म थी वो थी हमारी बिजनेस. अब बिजनेस क्या होता है? एनी एक्टिविटी दैट इज स्टार्टेड फॉर मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस. मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए शुरू की जाए या मेकिंग मनी के लिए शुरू की जाए उसको हम बिजनेस कहते हैं. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तीन अकसाम है. एक कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, एक पार्टनरशिप का होता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है?
एनी बिजनेस विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। जब कोई भी कारोबार का कोई वाहिद मालिक होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर समीत ओपन है कॉफी शॉप, अब मिस्टर समीत एक आदमी है और उसने कॉफी शॉप ओपन की है तो ये इसका जो बिजनेस होगा ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फॉल करेगा। आगे है हमारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है जी? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कि दो या दो से फाइव लोग जब मिलकर आपस में कोई प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ऑन एंड मिस्टर रॉबर्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कि मिस्टर ऑन एंड रॉबर्ट ने जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑन दैट कंडीशन के दे विल शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो ये हमारी पार्टनरशिप बन जाएगी। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी की या कंपनी की। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्मड यूजुअली अ कमर्शियल पर्पस। कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है और वो किसी एक खास मकसद के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रजा एंड हिज फैमिली मेक अ कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, के उन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंपनी रजिस्टर करवा लिया। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और भी काफ़ी सारी एग्जाम हैं और आगे हमारे जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें हम फिर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम बाकी अकाउंटिंग की टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ आएगी और मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।